दोस्तों YouTube के नंबर वन चैनल और पाकिस्तान के नंबर वन होस्ट के साथ द चावल शो में आपको खुशामदीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सीरियस टॉपिक है, मगर मेरे साथ उस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए जो तजियाकार सीनियर तजियाकार बैठे हैं वो थोड़े नॉन सीरियस हैं और मैं खुद भी थोड़ा नॉन सीरियस हूँ। तो इस वजह से इस चैनल का या इस शो का नाम रखा है द चावल शो। तो इस शो में हम कुछ चावले मारेंगे ताकि सोई हुई कौम को, सोए हुए दिमागों को जगाने की कोशिश की जाए, और उम्मीद है कि ये चावलें आपको पसंद आएंगी, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस शो में डिस्कशन के लिए जो हमारा टॉपिक है वो एक फॉलोअप टॉपिक है, और कुछ ही दिन पहले मैंने तुर्की में एक एयरपोर्ट पे एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि मैंने अर्ज़ की थी कि मैं कुछ ऐसे कंट्रीज़ में गया जहाँ पे इंग्लिश बोलचाल को मायूब समझा जाता है, वहाँ पे वो लोग इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते और इंग्लिश बोलने वालों को भी पसंद नहीं करते। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पे जो इंग्लिश को इतना डिसलाइक करते हैं फिर भी इतना आगे हैं, और हम जो है ना बचपन से हमें जो है ना इंग्लिश घोल के पिलाई जाती है तो फिर भी हम इतना पीछे हैं, ऐसा क्यों है। तो इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जो को होस्ट हैं या तजियाकार हैं वो हैं जुल्फकार साहब, ये कतर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पे हमारे साथ एज असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर हैं, और ये मेरे साथ हैं खयाम अली, और ये हमारे सीनियर इंजीनियर हैं, और ये इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जो कि उस वीडियो के रिस्पांस में मुझे मिली थी वो एक हमारे सीनियर हैं रियाज साहब, उन्होंने एक बात कही थी जो कि उन्होंने कहा था कि जो ज़हनी तौर पे ग़ुलाम जो कौमें हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। तो क्या हम वाकई ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं या क्या प्रॉब्लम है? और ये जो कंट्रीज़ हैं, तुर्की हो गया या यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ हो गए या चाइना हो गया, तो ये आगे से आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और इनको इंग्लिश वगैरह बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और हम पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। हम इंग्लिश इसलिए सीखते हैं कि हम आगे बढ़ें, मगर मुल्क पीछे जा रहा है। हम तो पता नहीं आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मगर मुल्क तो पीछे ही पीछे जा रहा है। तो इसका मैंने सोचा कि ये दोस्तों के साथ बैठ के एक डिस्कशन की जाए या एक डिबेट का सेशन रखा जाए, तो इन दोस्तों को मैंने आमादा किया है। तो खयाम साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वो कौमें इतना आगे क्यों बढ़ रही हैं और हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं, हालांकि हमें घोल के पिलाई जाती है इंग्लिश, फिर भी हम पीछे हैं और वो तो इतना आगे हैं कि, तो क्या इसके पीछे चक्कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हनीम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने एक उनके माइंड में एक बात आई कि इस तरह के फोरम हो या एक वीडियो हम बना के लोगों तक पहुँचाएँ, अपना राय भी पहुँचाएँ और इस चीज़ को डिस्कस करें कि ये जो इनकी लास्ट वीडियो में मैंने देखी थी उसमें जो उन्होंने लैंग्वेज के इशू को उठाया था कि हम लोग इंग्लिश बोल के भी पीछे हैं, और जो कुछ कंट्रीज़ हैं स्पेशली यूरोपियन हैं या तुर्किश चाइनीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और वो इंग्लिश जो है वो नहीं बोलते, वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, तो वो इतनी डेवलपमेंट क्यों कर गए हैं आगे? तो मेरी जो राय है इसमें वो ये है कि सबसे पहले तो वो लोग जितनी भी उनका सिलेबस है, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है और जितना भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या उनकी पार्लियामेंट है या उनका जो भी उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब जगह वो अपनी लोकल लैंग्वेज, जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है उसको वो प्रेफर करते हैं और वही बोली जाती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि उन कंट्रीज़ के लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, सेम लैंग्वेज एक कंट्री में बोली जाती है तो टॉप से लेके बॉटम तक, अमीर से गरीब तक, छोटे से बड़े तक एक ही मैसेज जाता है और वो एक ही लैंग्वेज में होता है तो उनको समझ आता है। ना वो रीजनल लैंग्वेज में बटे हुए हैं, ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो दुनिया में कौन सी टॉप पे है, सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज हम बोलना चाहें वो इस चीज़ में भी नहीं है, इसीलिए उनको ये चीज़ जो एक अच्छी बात उनके एजुकेशन में हो तो वो उनकी उन तक पहुंचती है, उनके ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती है, तो फिर वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। फॉलो करके वो एक लेवल, एक स्टेज ऐसी आती है
जब एक जनरेशन गुजरती है फिर दूसरी जनरेशन गुजरती है तो फिर इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि उनमें सच्चाई आ जाती है, उनमें लॉयल्टी आ जाती है, उनमें जो है वो अपने मुल्क के लिए वफादारी आ जाती है। तो ये चीज़ें जब वो ले कर चलते हैं तो वो इस वजह से अपने मुल्कों में तरक्की करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज होना या उर्दू लैंग्वेज होना या कोई भी लैंग्वेज होना, वो उन मुल्क की तरक्की का राज है। ये ज़रूर राज है कि अगर वो सेम चीज़ें और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी रिसर्च होती हैं वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में और फिर उसको अपना सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चीज़ें हो रही होती हैं वो उन तक पहुँचती हैं, उनके बच्चों तक, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज में, उनकी हर लिहाज से उन तक पहुँचती हैं। तो उस चीज़ को अपना अपना के तो वो एक, दो, तीन, चार जनरेशन से जब वो गुजरते हैं तो आज हमें वो हमसे बहुत आगे नज़र आते हैं। हम आज भी शायद इसके लिए पीछे भागते हैं या हमें इंग्लिश आ जाए तो हम बहुत तरक्की कर जाएंगे। तो ख़याम साहब, आपकी बात का जो लुबे लुबाब जो हम समझे हैं वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिलेबस है, बच्चों का निसाब है, तालीमी निसाब है, वो उनका अपनी लैंग्वेज में है। जैसे चाइना है या तुर्की में भी उनको किसी से भी बात कर लें, उनको या फ्रांस में फ्रेंच में बात करेंगे, किसी से भी बात कर लें आप, उनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती। तो आपका कहना यह है कि निसाब तालीम जो है वो हमारी ही लैंग्वेज में होना चाहिए, ट्रांसलेटेड होके होना चाहिए, तो ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो पॉइंट है, जो आपने रखा है, वो ये पॉइंट है। वैसे प्रोग्राम से हट के मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगा, वो सवाल ये है कि आप निजी ज़िंदगी में भी इतने सीरियस हैं? निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चवल बिल्कुल आपकी तरह। ओके, थैंक यू। तो अच्छा, इसी टॉपिक पे अब हम जुल्फ़कार साहब की राय लेंगे। तो जुल्फ़कार साहब, आप क्या कहेंगे इस टॉपिक के बारे में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया इस सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने का। आपकी वीडियो हमारी नज़र से गुजरी थी और उसके बारे में मैंने उसको देख के बहुत सोचने का मौका भी मिला और बोलने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं ख़याम की बातों से, काफ़ी बातों से मुत्तफिक हूँ और कि ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को भूल के एक वो कौम जो हमारे ऊपर वासिब थी, हम उनके उनके कल्चर को अपनाते हैं, उनकी लैंग्वेजेस को, और उसी में हमें अपनी क्रिएटिविटी करने की, अपनी चीज़ उसमें इतनी जिद्दत में चले गए हैं कि हम उसमें अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं करते। ना सिर्फ हम उसके उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं उसी ज़ुबान के को सीखने में, और उस ज़ुबान को सीखने के पीछे पीछे हम उनके कल्चर को भी अपना लेते हैं और उस कल्चर को अपने ही कल्चर के अंदर उसको शामिल कर लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि हमें अपनी कोई नई चीज़ या कोई नई ईजाद जिसके लिए हम, जिसके लिए कौमें, जैसे ख़याम ने ज़िक्र किया कि भई वो कौमें अपनी ही ज़ुबान में रिसर्च उनकी होती है, उनकी उनका लिटरेचर, हर चीज़ उनकी अपनी ज़ुबान में है, तो उनको किसी और ज़ुबान को सीखने का ना मौका मिलता है तो वो उस चीज़, उनके पास वो वक्त होता है कि वो अपनी कोई नई क्रिएटिविटी पैदा करें, कोई नई चीज़ ईजाद करें। लेकिन हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम उनको फॉलो ही करते हैं, ना सिर्फ उनकी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं बल्कि हमें ये मौका नहीं मिलता कि हम कोई नई चीज़ दुनिया के सामने लाएं, उन्हीं की इजादात को, उन्हीं की क्रिएट की हुई चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं। अच्छा, तो थैंक यू सो मच जुल्फ़कार साहब, आपने भी ख़याम की बात को सेकंड किया और ख़याम ने जो टॉपिक या जो बात छेड़ी है या जो तज़िया पेश किया है उससे मैं तो मुत्तफिक हुआ कि निसाब तालीम में जो है ना हमारे कुछ चक्कर है। और इसी टॉपिक पे, निसाब तालीम या सिलेबस पे या करिकुलम पे मैंने हिंदी लैंग्वेज में आर्टिकल भी लिखा हुआ है कुछ 2 साल पहले। और बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें
نصاب تعلیم بھی چینج ہو جائے, اگر ہو جائے تو کیا ہم آگے بڑھ پائیں گے اگر نصاب تعلیم بھی چینج کر لیں؟ کیونکہ اگر مجھے, اگر میں ریاض صاحب کی بات کو اگر فالو کروں کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں, تو اگر نصاب تعلیم چینج بھی کر لیں تو بھی کیا ہم آگے بڑھ پائیں گے؟ کیا آپ کیا کہتے ہیں قیام اس والے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے اگر ہم نصاب تعلیم بالکل چینج کر دیں, سیم لینگویج پہ آ جائیں, چاہے انگلش ہے, اردو ہے, فارسی ہے, کوئی بھی تھرو آؤٹ ہمارے ملک میں پچھلے اگر 50 سال سے بھی آپ ایک لینگویج پوچھ رہے ہیں, فرض کریں آپ کہیں کہ ہم پچھلے 50 سال سے ہمارا جتنا بھی سلیبس ہے وہ سارا اردو میں چل رہا ہے یا سارا ہی انگلش میں چل رہا ہے, تو پھر بھی ہم پیچھے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے اندر کیا ہے کہ ہمارے اندر ایمانداری کی کمی ہے. ہم لوگ اپنے کام کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم مثال دیتے ہیں ان ملکوں کی جو ترقی یافتہ ہیں, ہم اس طرح نہیں کرتے اپنا کام, جس کی کام کی بات کر رہے ہیں, اپنا کاروبار ویسے نہیں کرتے. وہ جو قواعد یہاں پہ تھوڑا آپ کی بات کو کٹ کروں گا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لائل نہیں ہیں اپنے کنٹری کے ساتھ, اپنی کنٹری سے اپنے کام سے ہم لوگ لائل نہیں ہوتے. ہمارے جاب اپنے گرد گھومتی ہے, ہم نہیں, ہم یہ مطلب جاب کو ایسے نہیں کرتے کہ میں جیسے لوگ بھی, ڈاکٹر قدیر جیسے لوگ بھی تو ہماری قوم سے نکلے ہیں نا, وہ بھی قوم سے نکلے ہیں نا, قوم سے نکلے ہیں. لیکن آپ جیسے کہیں گے جی کہ اگر وہ ہم غلامی تھے تو ڈاکٹر قدیر کے بھی آباء و اجداد ہمارے آباء و اجداد کی طرح وہ بھی اسی نسل سے آئے ہیں, وہ بھی غلامی میں سے ہی نکلے ہیں, لیکن وہ لوگ لائل تھے. ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. وہ لوگ ہماری کنٹری کے ساتھ, اپنے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ لائل تھے. اور ہم انڈیویجولی دیکھیں اپنی لائف میں کہ ایک دن میں ہم نے جو کام کیا اس میں ہم کتنا لائل رہے اپنے ملک کے ساتھ. ہمارا ایک کلرک سے لے کے اوپر تک جب بات تو اور طرف چلی جائے گی, لیکن لائلٹی پہ جب بات آئے گی نا تو ہم اس طرح لائل نہیں جس طرح ہم ان فرانس کے لوگوں کو کہتے ہیں. فرانس کے لوگوں کی سب سے بڑی لائلٹی یہ تھی, انہوں نے کہا ہم کوئی لینگویج ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہماری یہ لینگویج ہے, سب سے بڑی لائلٹی یہ تھی. تو جب ادھر سے ہی انہوں نے یہ چیز شروع کی تو آج وہ کہاں پہنچے. لائلٹی تو ہم کرپشن کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, لیکن وہ پھر ایک دوسرا ٹاپک بن جاتا ہے نا. اس پہ پھر بندہ لائل نہیں ہوگا تو وہ کرپشن بھی کرے گا. کرپشن ڈیفینیٹلی کرے گا, لائل نہیں ہوگا. کرپشن بندہ لازمی نہیں ہے. آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں, اگر آپ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے آپ نے کرپشن ہی کی ہے. آپ نے لائلٹی نہیں کیا, آپ نے کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیا نا, وہ بھی آپ نے کرپشن. ذوالفقار صاحب کو موقع دیتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ قیام کی بات سے متفق ہیں تو آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ لائل لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کہاں سے مینوفیکچر ہوں گے, کہاں سے لائیں گے ہم, جو کہ کرپشن بھی نہ کریں اور جو کہ ملک اور قوم کے ساتھ لائل ہوں. اور بات تو کافی حد تک صحیح ہے ان کی, مگر ایسے لوگ کہاں سے مینوفیکچر ہوں گے؟ ابھی وہ فیکٹری بدلنی پڑے گی یا کیا کرنا پڑے گا, مطلب کیا ہوگا؟ نہیں بالکل, میں متفق ہوں اس بات سے. آپ جیسے ہر بات سے متفق ہیں. جی میں ہر بات سے متفق ہوں کیونکہ ہم ساتھ ہی رہتے ہیں, تو ہر بات متفقہ طور پہ جو ہے یہ ہماری لائلٹی ہے. اچھا یہ آپس میں لائلٹی ہے. ٹھیک, تو بالکل تعلیمی نظام بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اندر لائلٹی نہیں آتی. نہیں سر, وہ لائلٹی کہاں سے آئے گی؟ اب یہ ہو گیا, لائلٹی ہم لائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کرپشن ہے, تعلیم سے, انگلش لینگویج سے بات پہنچی ہے جا کے لائلٹی پہ. اوکے, کسی حد تک بات کو صحیح مان بھی لیا, یہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ لائل لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے حساب سے کوئی لائل نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی لائل نہیں ہے. لائلٹی جو ہے ہمارے کلچر میں ہے, لیکن ہم نے اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا. ہم نے دوسروں کے کلچر کو ایڈاپٹ کیا اور ہم صرف ڈھول پیٹتے ہیں کلچر ڈے میں, بس اتنا. ہمارا کلچر وہی ہے اور ہماری لائلٹی ہمارے کلچر میں ہے, اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اس کو ہمیں پھر سے ریوائو کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں جو ہے یعنی نہیں تو کلچر کو کیسے ریوائو کریں؟ فیسٹیولس تو بنا دیے نا ہمارے لیے, ہمارے بڑوں نے, جو ہمارے بڑے ہیں, مطلب جو ملک چلا رہے ہیں وہ ہمارے بڑے ہی ہوئے, تو انہوں نے تو ہمارے لیے فیسٹیول بنا لیے نا, اور کیسے مطلب. نہیں اس کے لیے تو بڑے لیول, جیسے کرپشن کی بات چل رہی تھی کہ بھائی کرپشن بھی آتی ہے, لیکن وہ ایک بڑی لیول پہ ہے کہ بھائی کرپشن کے اسباب کیا ہیں, اس اسباب کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے. اس کے لیے ایک
मैनेजमेंट है। अच्छा, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, मगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि कौमों की तरक्की में कल्चर का भी हाथ होता है मेरा ख्याल है, क्योंकि ये कल्चर जो है जैसे इन्होंने कहा कि फ्रांस का जो कल्चर है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी फॉरेन इंट्रूजन को, किसी फॉरेन ताकतों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद ये कल्चर का भी हाथ है फिर। तो दोस्तों, आप जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके अगर कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी फीडबैक है तो आप अपनी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। और स्टार्ट बड़ा इस प्रोग्राम का नॉन सीरियस था, क्योंकि द चवल शो था और हम लग भी चवल रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चवल लोग सीरियस बात करने बैठ गए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच फॉर